हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। तो हमने धनिया को भून लिया है, भून रहे हैं, भून लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें निकालेंगे जीरा, अजवाइन, जीरा और सौंफ और मेथी, काली मिर्च और कलौंजी। तो आप इनको ले लेना, इनको भी भून लेना, और मिर्च भी डाल दिया है मैंने, इनको अब हम भून लेंगे। तो फिर ये हमने भून ले रहे हैं, तो आप ऐसे ही भून लीजिए। हमने गांव देहाती टाइप का अचार रख रहे हैं, तो आप रख सकते हैं। आप भी शहर में हो तो भी रख सकते हैं, सब लोग रख सकते हैं, पर हम देसी वाले हैं ना। अब ये काली सरसों है, इसको भी हम भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भून गई, हमने पीस लिया है सब मसाले। अब इसके बाद हम गरम तेल करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और हम डाल दिए हैं इसमें ठंडा करके तेल। थोड़ा मसाले इसमें डाल दिए हैं, देखिए। अब इसी में हम कटे हुए आम को इसमें डाल देंगे। तो आप ऐसे ही है, देखिए हमने डाल के इसे हम थोड़ा आँच भी इसे लगा देंगे, ताकि इसकी जो कच्चापन है तो दूर हो जाए दोस्तों। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखो हम जल्दी जल्दी इसे चला देते हैं इसको ऐसे। ये हमने देखो ये आम को, अब हम इसको निकाल के धूप में रखेंगे। ये हमने धूप से निकाल लिया 2-3 दिन बाद। तो देखिए ये हमारा अचार हो गया है। तो आप ऐसे ही अचार बना सकते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा दोस्तों।